बलवीर सिंह सरपंच पंचायत सुहांजना ब्लॉक मंडाल फलाएं तहसील मंडाल। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, जे हमारी तहसील में एक गरदौर साहब हैं जिनका नाम है फयाज अली, जे पिछले 8-10 साल से जहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 2-2.5 साल के बाद हर मुलाजिम की बदली होगी, ये कौन सा पट्टा लिखा के ले आया हुआ है कि इसकी बदली नहीं होती। ये लोगों को इतना हरासमेंट करता है कि पूरे हमारे तहसील के लोग इसके ऊपर परेशान हैं। किसी का काम नहीं करना, किसी को मतलब ढंग से बात नहीं करनी। अगर कोई बाहर का आ जाए पैसे ले दे के, उसकी ज़मीन है कहाँ क्या है, 2 मिनट में तहसील नायब तहसीलदार को गुमराह करता है। नायब तहसीलदार भी अपना सामान उठाते हैं, साथ में पुलिस को लेते हैं, किसी का कब्जा दिलाने चले जाते हैं, किसी की ज़मीन के ऊपर फेंसिंग करवाने चले जाते हैं, किसी की ज़मीन आधी आधी कराने चले जाते हैं। जबकि अगर किसी को ज़मीन अलाट हुई है, कोई 1947 से या 1965 से किसी को अलाट है, तो उसके लिए कोई एक प्रोसीजर अपनाया जाता है। जैसे कि जहाँ पे केस चले, जो बंदा ज़मीन के ऊपर कास्त कर रहा है उसको समन भेज के जहाँ पे बुलाया जाए, उस दूसरी पार्टी को भी बुलाया जाए, जहाँ महीना 2 महीने 6 महीने केस चले, फिर उस केस का कोई ना कोई कोई फैसला होता है, जो केस चलाता है वो उस फैसले के ऊपर साइन करता है, वो फैसले की कापियाँ दोनों पार्टियों को दी जाती हैं, उनको समय दिया जाता है, फिर जाके पुलिस ले कर फिर वहाँ पर कब्जा दिलाया जाता है। जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधा बंदा आया बैग उठाया खेत में जाके चूना डालना शुरू कर देते हैं। जो बंदा 1947 से लेके आज तक वो ज़मीन कास्त कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता वो घर में सोया, उसकी सब्जी लगी है, फसल लगी है, बीच में चूना डाल रहे हैं, कोई इनके पास केस नहीं चलाया, कोई इनके पास कोई उसका कोई कागज नहीं है। डिमांड करना चाहते हैं कि इस एक तो पहली दो बात है, जो 8-10 साल से जहाँ पे फयाज अली गरदौर बैठा हुआ है इधर जड़े जमा के, इसको यहाँ से कहीं मैं बोलता हूँ कि श्रीनगर भेज दो, कम से कम इसको पता चले कि पब्लिक को परेशान करने का क्या फल मिलता है। एक तो इसको निकाला जाए, दूसरा जहाँ जो 10-10 साल से लोग बैठे हुए हैं इनकी बदली की जाए, जहाँ जो 6 महीने या 2 साल से मुलाजिम है वो जहाँ रहना चाहिए, बाकी पुराने मुलाजिम पूरे जाने चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। बलवीर कुमार पंचायत हरिपुर सरपंच, हमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर हमारे पंचायत में देखा जाए तो प्लाट दिन बर दिन कटे जा रहे हैं और उनके पास ना परमिशन है ना कुछ है। अगर गवर्नमेंट ने पंचों और सरपंचों को ऑर्डर पावर दी है, क्या पावर दी है उनको, ये नहीं पता है कि उनके पंचायत में कौन आ रहा है, कौन प्लाट काट रहा है, और वो भी एग्रीकल्चर। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एग्रीकल्चर को कन्वर्ट बंजर में कैसे कर रहे हो, कैसे वो प्लाट काट रहे हैं। हम 2-3 दिन से जहाँ पे कॉल भी करें, नायब तहसीलदार को 2-3 बार मैंने कॉल किया और उनको बोला कि सर आके जहाँ पे काम रोकी है जे प्लाट काटे, बोलते हम कभी कोर्ट में हैं कभी कहीं हैं। मुझे जय समझ नहीं, इनको परमिशन किसने दी है? अगर हमारे लोगों ने किसी ने मकान डालना होता है तो उसे परमिशन में घसीटा निकाल देते हैं जहाँ पे, वो मकान नहीं डाल सकते, लेकिन उनको परमिशन मिल रही है प्लाट काटने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट आकर चाहती क्या है, चाहे तो हमें भगा दे बाहर निकाल दे, और जहाँ पे जिम्मेदारी जो जिम्मेदारी लायक ज़मीन है उस पर तो प्लाट काटे जा रहे हैं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ही ज़्यादा तो चाहे तो तरस आ रहा है, चाहे तो उनको पता कुछ नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। डिमांड यही है कि हमारे जितने भी 45 विलेजेस हैं उनकी सभी इंक्वायरी की जाए कि प्लाट जे कैसे काटे गए हैं। ओवरऑल हमारे यहाँ पे एक गांव प्लाटपुर है, पंचायत है, मेरे गांव में कम से कम 60 कनाल के ज़मीन है जहाँ पे प्लाट काट दी है, और जहाँ तो मुझे लगता है 150 कनाल से भी ज़्यादा प्लाटपुर में प्लाट काटे, और वो भी स्टेट लैंड पे। बदली की डिमांड करते हैं गरदौर की, हम जो गवर्नमेंट कहते हैं, हम तो चाहते हैं नया भी चेंज होना चाहिए, और जो जहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं वो 2 साल से वो उनको जहाँ से चेंजिंग ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट बस ये चाहते हैं।